चार लाइन के भूमिका में भाव लिखल गई है। विमल भाव भक्ति में शक्ति प्रबल है, अटल सत्य है जिसको जाने जमाना, देवों के देव महादेव शिव जी, अरे आसान है जिनको पल में रिझाना, निकट जोधपुर के किसान शिव मंगल, अरे बल दे बेटा विभाजन की नारी, अरे सावन सुहावन रखे व्रत सुमारी, अरे जल को चढ़ाते थे शिव के पुजारी, सावन सुहावन रखे व्रत सुमारी, जल को चढ़ाते थे शिव के पुजारी। कहानी के शुरुआत हो गई जोधपुर के निकट एगो किसान हुआ जिनका नाम हुए शिव मंगल, और वह जोधपुर कहा है राजस्थान में। तो शिव मंगल का एगो बेटा हुआ जिनका नाम हो बलदेव, और शिव मंगल का मेहरारू है जिनका नाम हुए विभा। बड़ा छोटे परिवार बा, एगो मेहरारू एगो लड़का या उनका बुढ़ऊ। तो बाप बेटा आज शिव मंगल का मेहरारू विभाई है, तीन गो परिवार है, लेकिन तीनों परिवार भगवान भोलेनाथ का परम भक्त बा। सावन की महीना में दुनिया भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ावे ले, तो इहो तीनों जाना भगवान के भोलेनाथ के वो मंदिर पर शिवल्ला पजाई के एक को सोमार छोड़त ना हलो। चौथा सोमवार जब आयल है, आखिरी सोमवार जब आयल है, तो जल चढ़ावे खातिर गईल हलो। भगवान भोलेनाथ भी बड़ा प्रसन्न हुआ अपने भक्तन का ये भाव देख के, तो बिरहा में गो गई थी। तनी सागे से बढ़ रहा मास्टर, उहे की थी के दिल अगर कोई तोड़े खिलौना समझ, अरे दिल अगर कोई तोड़े अरे खिलौना समझ, दिल दोबारा लगाना जरूरी नहीं, लिखल गई था के भावना भव्य के भूखे भगवान थे, अरे भावना भव्य के भूखे भगवान थे, बस दिखावा दिखाने से क्या फायदा, अरे मन अगर ना रमा हो प्रभु रंग में, मन अगर ना रमा हो प्रभु रंग में, केवल कपड़ा रंगाने से क्या फायदा, से क्या फायदा।
भगवान के भक्ति में मन ना लागल है तो गेरुआ बस्तर पहिर के ए दुकानी वो दुकानी मंगला का कोनो मतलब है का जरूरत है। तो भैया हो काम करे तो उन सच्चाई से करे। कवि का मतलब ये हुए कहला का नजम में भाव लिखल गई है कैसे उड़िया जिर में अगर इष्ट का निवास रहे मिलेगा सफल जीवन अटल विश्वास रहे। अरे मगन शिव मंगल जी का पूरा परिवार रहा चढ़ाए जल सवन में आखिरी सोमवार रहा। प्रसन्न हुए शिव जी देख उनकी भक्ति को सोचे दिखा दू आज मैं भी अपनी शक्ति को। देखे वरदान तुझको राजा मैं बनाऊंगा। देखे वरदान तुझको राजा मैं बनाऊंगा। चेतना चित्त में चैतन्य मैं जगाऊंगा। भगवान भोलेनाथ बड़ा खुश होऊंगा वो लोग के भक्ति से कि चेला हुआ सा एको सोमार सावन में ना छोड़ना सा गरीब हुआ सा। लेकिन तब जवन सपरता लेके आवतन सब पूजा प्रसाद हमके चढ़ावतन भगवान भोलेनाथ सोच गईला कि आखिरी सोमवार है अब फिर अब तो साल भर की बात नहीं सावन आई। चेला गरीब हो सब खुश हो गई तो इन्हने की हम राजा बना दी हो बुझ जा सो कि भगवान भोलेनाथ के भक्ति में बड़ा शक्ति बा। भगवान भोलेनाथ प्रगट हो गई ना जे वो बेल पत्थर या पानी गंगा जल दे लोग ना तौले बुढ़ऊ डमरू बजान देहला। आ जब डमरू बाज गल है तो तीनों हम जाने हुआ शिव मंगल हुआ उनका बेटा बलदेव हुआ उनका मेहरारू विवाह है तो तीनों जाने हाथ जोड़ लेहला। भगवान भोलेनाथ कहते हुआ कि मांगो। अरे यह न शंकर जी हुआ हो कहल जला कि छणे रुष्टा छणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छणे छणे खुश हो जाला तो बतसो पर खुश हो जाला। देवे के होखेला तो कुल दे देला उनका खातिर भले मरइयो ना होके दूसरा का महल बनवा देला। तो यह अंतरराष्ट्रीय देवता कहल जाला। बिरहा में एगो तरज है मास्टर तने ऊपर से होख ओहे गीत बजावत हूँ आर के उठ लाली लगवलू बलिया के बाली नहवा के नथुनी आर के उठ लाली लगवलू बलिया के बाली नहवा के नथुनी आर को ना जिला को जिले की हवू चल बा गोपाल गंज वाला मस्तानी जैसे चल हथुनी जैसे चल हाथुन हर कवना जिला का जिले की हबू है बाबू लेकिन भगवान भोलेनाथ बड़ा खुश हुआ इ तीनों जाने जल चढ़ा के घरे गईला। भगवान भोलेनाथ वही जो कहला कि आज तो बड़ी भीड़ बा हम मिलत है तोहलो से जल्दी मिलत है घरे चला लो। तीनों जाने घरे चल गई ला तो ये रात का भगवान भोलेनाथ होलो के घरे पहुंच गई ला। रात में प्रगटे बाबा भोले बोले पचनिया गुना ज्ञान ले ला।
में प्रगट हो बाबा भोले बोले बचनिया गुना ज्ञान लैला अरे तीनो जाना हमसे कहे कबरा दान लैला भगवान भोलेनाथ तहिए रात का गईला या तीनों जना के जाई के गईला हा शिव मंगल बलदेव अभी भाई जाग गईलो भगवान भोलेनाथ अरे रहुआ आ गईली अरे हम कहली है ना कि जल्दी मिलत है तो हमान का तो जल्दी है ना कि रहुआ दो चार दिन बाद आई तो कला ना ही यहाँ काम तुरंत अनिष्पात होला तो तीनों जना तो हम लोग हमसे एक एगो वरदान ले सकेला लोग चाहे दुनिया का कुछ मंगवा लोग मिल जाए तब तो तीनों सूत के अनुआ के उठल हुआ मेहररुआ कहती अपना मन से धू से शिव मंगल से की मांगा हो पहले तू ही कहे नहीं खा मांगा तो कहत हम देखी सूत के उठल मन में भकुआइल बका कही का ना कही मेहररुओ कहते कि पहले तू मांगता तो फिर वो हिसाब से हम मांग लेती कलंक लैकवा से कि तू कहे न बोलते हुआ मांगत हुए तो कहता कि हमारा तो वही उंगाई लगत है कल सूत माती हर घड़ी ना मिली है तो तीनों जाना अपने में बड़ा असमंजस में हो वहां तो तीनों फैसला का कैला तीनों कहे कि बाबा अब ही ना चाहिए मांगल जाए बढ़िया करिया नहीं तीनों कहला कि बाबा अब ही ना मांगल जाए कहे से कि दिमाग काम नहीं खे कर तो भगवान भोलेनाथ कहला कि कब तो कहलो कि जहिया हो सलास में रहिए जहिया मन में कोनो चीज बैठी तहिया मांग रहल जाए तो ए बाबा तहिया न करना न जेबा कि वही दिन ना मांग लो तब आज ना मिली अरे नहीं चलाई कोनो सिदौत का मकर दू साधु थोड़े हम अरे जवन कह देना तब कह देना अरे मौका पर सजावल जाई अपन सपनवा बाबा ध्यान भइल पर सजावल जाई अपन सपनवा बाबा ध्यान भइल अरे तीनों जाना हमसे एक एक बड़ा दान ले कहल लो कि बाबा आगे जहिया इच्छा बनी तहिया मांग ले जाई तहिया दे देब न तो कहलो कि मिल जाई जालो जब आज तुम लोग का दिमाग नहीं खे काम करते जैसे काम करी तो ये ले ली हेलो भैया हो बिरहा कटेरी लगल है कैसे कहलो कि बाबा तब ही अमीन बीते दिनवा तब ही अमीन बीते हो राम बहिया में न बीत दिनवा अरे बिहा पर दान शान से मांगल जाई जहिया 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 बिहा पर दान शान से मांगल जाई जहिया तबहिया में न बीत दिनवा तो देखो कुछ दिन का समय बीतल तो वक्त आ गईल है कौन दिन आईल है विधा कर दिसिया ए भैया त्योहार शिवरात्रि अरे जोधपुर लगल मेला अरे देखे चलल विभा रहली संगवा सहेलिया जाके मन दीरवा में जाके मन दीरवा में अरे शिव से वरदान मंगली अरे हमारी बना दारज कुमारी के सकलिया
कुछ दिन बाद वही जोधपुर में शिवरात का मेला लागल है। आई विभा अपना सखी सलेहर लोग की संगे मेला देखे खातिर गई है शिवरात का। मेरा रू मेला का बड़ा शौकीन होली, पैसा रुपया कमो रहेला तो निकल जली। तो देखा विभा भी अपना सखी सलेहर लोग की संगे गईली है शिवरात का मेला देखे। तो दुनिया जाके तहिया कुल अंगारी तो बईर जवन खोखी होले तवन दवाई उनके दिया ले। जना के खा लेबा तो कुकुर मती फोकबा, बाकी शिव जी के कोनो नुकसान ना करे ले। बईर खाना अंगारी चाभेला तो ले जाके चढ़ा के अब विभा भगवान भोलेनाथ के समनवा हाथ जोड़ के अखिया मुन के खड़ा हो गई। परम भक्त रहवे कैली तीनों परिवार पहले ही से बा। तो भगवान भोलेनाथ मनवे मनवा पूछत हुआ कि अरे आइल बाड़ू कुछ जरूरत बा का। तो विभा भगवान भोलेनाथ से कहत है कि प्रभु तो जवन बरदनवा सकरले हुआ कि मौका पर जहिया मंगबलो मिल जाये तो आज हमार मौका आ गईल बा। भगवान सोचत हूँ कि जना था कि पैसा रुपया ना बा मेला देखे के पैसा वैसा मांगी कर दे। तो कहा था कि बोला अरे बोला कह दे ले हाँ तो जवन मंगबू तवन मिल जाये। तो विभा कहली कि प्रभु तो हमार मांग ये बाटे ना कि अब भाई देह कच्चा में झूल गईल है, गाल उल कुल धंस गईल है, बार और पाक गईल है, अब बुढ़ावा ठीक से ताकत ना है। एगो काम करा कि हमके नया बना दा, नया में वैसन बना दा कि एकदम राजकुमारी मतिन हो जाई, एकदम 18 बरिस का उम्र होके आ कोनो शरीर में जहां जहां अंग में जग गहना पहरल जाला कोनो अंग बाकी ना रहो, बनरसी साड़ी हो जा, मने अब सजा दा हमके। भगवान भोलेनाथ हाथ बंगुरी रगड़ के कहना कि जाए हो मस्त, बूढ़ से नया हो गई, देह पर से माछी बिछला थे सो लुगवा हर घड़ी सड़क के गिर जाता। तो अब तो जब नया हो गई आ सखी सलेहर लोग जैसन रह लोग तैसने बालो तो सखियवा देख के कहली आई हो दादा देख के कौन का हो गई हमनी के कहे ना हो जाते ऐसे हो यही के खाली ऐसा भयल। तो कुल सखी लोग की संगे घूमत है तो होत कहा अरे राजकुमार जब ए भैया राजकुमारी रूप अरे देखा राजकुमार जब अरे शादी बदे जबरी उठाई चाला डोलिया वही में देखा जवनी मेलवा में ई बरदनवा मांग के राजकुमारी बन गईली ना। वही में कोनो राजा का लड़का रहे मार पालकी सजावल बा कुल सुरक्षा गार्ड लगल हुआ आ उहो मेला देखत बाटे तो जब एकरा देहि ओरु राजकुमारवा देखल तो सोच गईल के मर्दे तना ई सेनुन नूर नइखे पहले जना था कि वो कुमारी बा हम वो कुमारे बानी। तभी कहाँ कबा कहाँ कना का जनी एकर बाबू मई से करिया कि ना से करिया यही लगले अभी एक उठा लाई जैसे और राजकुमारवा के जबरी उठवा के अपनी पलकिया में बैठवा ले हलस। पूछत है कि काहे हमके बैठौला के तोह से ब्याह करब तो बड़ा हमके चोख लागत है उ कहलत कि चोख तो हम बटले बने तो देखा कुछ काम इशारा से भी होला कुछ ना हो पावेला। जैसे जैसे वो पंडित जी रहलन गईलन चेलहाना में तो चेलहाना में गईलन तो चलाइन एगो रहली बुजुर्ग आदमी बैठा के पंडित जी के भोजन करावत है या बेना हौकत है पंडित जी गवे गवे खात हुआ तो आदमी के लाख रुपया का यदि सामान मिल जाए तो ओकर कीमत 2 कौड़ी करेला आ 2 कौड़ी का सामान यदि मौका पर ना होके मिलत है तो ओकर कीमत आदमी लाख रुपया आंकेला।
पंडित जी के कुल चल रहा थरिया में, लेकिन बुढ़िया पापड़ भुला गई रहा गर्मी के दिन में, बेना होके में भुला गई। तो पंडित जी का ध्यान खाली हर घड़ी पपड़िए बजाओ, लालची जात है सगर भोजन धैल बा, लेकिन खाली हर घड़ी पपड़िए बजाओ कि उतना आई उतना आई। तो बुढ़िया बेना हो कतिया, तो बुढ़िया से कहत हो कि बुढ़ी बड़ा संजोगे निक बा कि आज हमसे तो से भेंट हो गई। अरे बाबा का हो गई, कहे ऐसन कहत है, कहत हो कि रास्ता में आवत हली बड़ा बढ़िया कीड़ा अग में आ गई है, एकदम गोहवन कीड़ा रहा। तो बूढ़ी कहते कि अरे बाबा कटला सना ही ना, अतना ही कटला सना बाबा के तबो कितना बढ़िया रहा है। तो कहत हो कि जहां से तू बेनवा डलो तू तहा से आ जाले पपड़िया धैल बड़ू वहां लेकर रहा। तो बुढ़िया देखल तो अरे बाबा पपड़िया तो आपके देवे ना कली, कह तो ना ही पपड़िया खाते ना कीड़वा का साइज बतौली। तो देखा आदमी के लाख रुपया का सामान मिल जाए और खाली पपड़िया खाती पंडित जी को मन डोलत रहे। आ देखा वही जा एगो और खिस्सा है, एगो हित ही में एक छुरा गयल। तो वो गयल तो कितने हित बना कि बिना नौ दिन को वहां से जेरवे ना छोड़िया, चले पूरा एकदम हीक भर बढ़िया से खा नहा लिया। तो भाई घर में के मेहरारू एक जून बनैया खेह दूसरका जून विश्वच लगे है कि नहीं ये बुढ़ऊ अपने घर परिवार में जैते नहु को पर पतो बाड़ी। तो बुढ़ऊ जाते ना बाना तो अपने मर्दा से कहत बा कि कहो अरे ये भाई क दिन रही है, उठी सुती सब रही तो पहले इनके कूच के दतवन देवे के पड़त बा, दतवनो नहीं खे कुचात खाए के इनके चिकन चिकन चाहता। तो कहत हुआ कि हम ना पकौड़ी का नाश्ता करेबी, तू तो सबरे पकौड़ी देते या इनके वेदांत कहुआ तो इनके सूजी का हलवा देते ही, तो परकत जात वही जाई है ना। तो वो कहते कोनो उपाय लगावा जाई, तो मर्दा कहता कि देख उपाय है बा कि आज हम तू दोनों कल है झगड़ा, हम झगड़ा करके तो के डांट आए करी बात तू कहिए कि आज खनवे न बननी, तब देखते बुढ़वा चाल हा। दोनों उहे बात कैला झगड़ा कैला, तो ऊ कहत बा कि हाँ तू हर घड़ी हम ही के डटबे करेला। तो कहत हुआ कि तू ही के ना डट भाई डांटत है भाई तो के कूटा भा, तू का बुझत है हम मौगर बुझत है ऊ, अरे तो के सोच ना के घली तो अपनी बाप का बेटा ना। तो कहत या कि तू इतना कहत हुआ तो आज खनवे ना बनाई। तो ऊ बुढ़वा सोचल कि आज दादा इतना दोनों कोनो बात में लड़ गई, जब इन्हने के ना बनी तो हमके कवन बात बा। तो बुढ़ऊ झोरा उठौना कान में टंगना भी ना पूछले निकल गई ला। आज हम निकल गई ना तो फिर ओकर मन से धुआ ओके समझावा तो सुन का रो धीरे कौन हम तो के सच्चो का डटली है तो के झूठ ही ना डटली है। तो वो कहते कि हम तो आंस थोड़े गिरते हम तो खाली झूठे ही से लोग समाना किया मोलत है, हम झूठे रो तने गल बुढ़वा का हाँ और तो बुढ़वा फेर आया। तो वो कहत बा कि हम तो कोनो सचो को थोड़े गई ले लिया, हम तो द्वारिये पर से सुनत ले लिया। तो ये हालात है, कुछ इशारा से भी काम होला कुछ ना भी हो पावेला। तो देखा हो राजकुमारी का किडनैपिंग कल हल्ला सूरज कुमारवा, आ जब किडनैपिंग हो गई अपना रात में बैठा ले हलस तो सखी से लेहर लोग भागल लोग, अब कहा लोग को छोला समोसा किनाई दुआरे खड़ा होके सांझ हो गई, शिव मंगल ताकत हो कि आई ना मलकिनिया, अब आई ना कुल गोड़ी धीरे धीरे आ गई लिशो। तो जब संगवाली भेटली सो तो पूछत हो कि करे अरे हमार वाली के हर बा आ कापनी वाली के मत पूछा तो हर वाली फुर हो गई। जैसे पेपर में छोटा सा समाचार कहीं कोना में दे सो कि तीन बच्चे का बाप और चार बच्चे की माँ एक साथ फुर भाग गई माने भाग गई झल्ला आने माने ना लगौली का हाँ बतिया के दिमाग में राखू आने का भाग गई मैंने भाग गई। तो भैया हो देखा जब सुनला हा शिव मंगल की मेहरारू हमारे भाग गई तो आंख मुनला तब देखे लगला वो भगवान का चेला न हुआ आंख मुन के देखला तो कहत हुआ शिव मंगल की वो हो बात कहाँ से बिगड़ लिए गई लिए तो
आज शिव जी से बरदनवा जना था कि मांग ले लस तो देखला तो साचो का उहे बरदनवे मांगले रहल कि हमके नया बना दा। तो जब शिव मंगल देखला कि भगवान से वरदान मांग के देख जब हम आते हैं बुढ़ाई लिया तो नया बन के भी हमारी ओर ना तकलस भाग गई लिया निकल गई लिया जब चल गई लिया तब वही लगले तुरंते वो जब भगवान भोलेनाथ के घर में बुलावत हम भोले कहत का देरी कि शंकर जी त्रिशूल डमरू लेके हाजिर चला बोला अरे मलकिनिया के वरदान दे दहला ना कला हाँ हाँ वो तो मंगलस तो दे दिली का दहला भगवान तब कहत है कि हम बूढ़ हो गए नया बना दा तो नया बना दहला तो आई लिया कि ना तो कहत हुआ कि ना प्रभु ये न कर बल कदला नया हो के कोनो नया लड़का के संगे निकल गई भाग गई भगवान भोलेनाथ कहत हुआ के छोड़ गई तो गई अब तू बोलो बोला हो बताब कहत हुआ का बिरहा में तरज भाई एक बार और वो के म्यूजिक किया के बजावा झूलनिया का गुजवा टूटल हो राजा जमनिया में गरिया छूटल हो राजा गीत रहल न हो बिरहा में भाव हो भगवान भोलेनाथ भगवान शिव जी से कहत हुआ कहत हुआ कि प्रभु देखा ओके नया बनौला है तो राजकुमार के संगे भाग गई लिया सोना मत ने गो लड़का है हुए माई माई करत है माई माई करके रोवत है खोजत है या ओ अब कमीनी के का कही हम कि अपन जन्मावल लड़का के छोड़ के भाग गई लिया ओके हमारी में ना सवाद मिलल हा तो ऐसे छोड़ के भाग लिया का कहत हुआ कहे कि बचवा भइला मोरा टुअरिया बाबा हमके वरदान का चाहिए अरे बचवा भइला मोरा टुअरिया बाबा दुलहिया बन जा सुअरिया बाबा कहा कि बचवा भइल मोर टुअर ये बाबा दुलहिया बन जात सुअर ये बाबा जवन छोड़ के नहीं बन के गइल हे बाबा उ जहां होखे तुरंत जहां होखे वही जब उ सुअर बन जाए हमके ये वरदान चाहत है भगवान भोलेनाथ तुरंत अपन वजह से छिड़क देना कला जा हो गई जा पैसा लेला और इटौरा डोरीपुर से परम आदरणीय माननीय सुदर्शन प्रसाद जी आपके तरफ से हमें सम्मानित किया गया है बहुत बहुत आपको नमन प्रणाम करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहला कि तो यही वरदान चाहिए कहला कि हाँ अरे तू अपना दहिया खातिर कुछ मांग ले तो कहला नहीं हम जैसन है वैसन है ठीक है अब भले हम मर जाए लेकिन उनका काम ना होके दे जौन सोच के गईली है उनका काम ना हो पावे बाबा वो के सुअर बना दा तो भगवान भोलेनाथ बोल दे कि जाए वो मस्त वही घरों रजवा ना पहुंचल बा तो ले होकरे लागल वही में तो अब तो पहले में से सूचित कर दे हा कि भाई बड़ा सुंदर टॉप क्लास का मेहरारू लेके आवत है इसे ब्याह करे के हा मेहरारू लोग के खूब इज्जत कदर से उतारी लोग आ उतार पतार के घर में ले जाई लोग तो डोली में विभा बन गई सुवरिया दुल्ही उतारे आईली जा बनरिया बाबा
बन कर देखे कतक जना दे के चढ़ जाई मेरा रू कुल देखली तो कल आई हो दादाई तो सूचना आई ले लिया कि बड़ा सुघर मेहरारू आवतिया आई रजवा सुअर ले आई ला इहो तो जवानी बा बाकी सुअर लेके आई ला आदमी कहला कि जवानी में सुअर यो निक लागे देखे इहे करी मन में भावल हिया अब बतावा दुनिया मेहरारू से ब्याह कर ला ये सुअर से ब्याह करे के लिए आई ला मेहरारू कुल अपनी मन को मुंह तोप तोप के कोनो हंसत भागत हिया तो कोनो करियावत भागत हिया जोरे तोर मुंह फूको ना अरे तू तो अपने गुराज महल का हमने की इज्जत बोर दे हले ब्याह करके तो रहल जो तो इतने मार जवानी ना तो अड़ात रहल हिया तो कहले रहते कहीं खोज पूछ के लौर लेके तोरी खातिर कनिया खोज देले रहती जा बाकी तो सुवर से ब्याह करे खातिर तू ले अइले हा अब जब मेहरारू कुल सुनली हा देखली हा भगली हा हो भैया देखा आज जब ओइजा से सुवर के पता चलल त राजा कल जवन लड़िकवा रहल छोड़वा देलस कलस अरे हम तो मेहरारू लेके आवत रही हा कैसे सुअर हो गई हिय आ जब वही सुअर बन के वही से छूटल तब कहीं दूसरी जगह ना गईल गईल अपनी घर में जहाँ ओकर पति शिव मंगल आ ओकर बेटा बलदेव हो केवाड़ी बन के दोनों बाप बेटा भीतर बैठ के अपन भात चोखा बना के खात हो बलदेव कहत हो बाबू माई गई जहिया से गईल तह से छौकल दाल ना मिलल अतल माई सुअर के रूप में आके वो केवड़िया भूल भुड़ावत हिया शिव मंगल कहना देख तक केहू आई लगे कोनो गोरू छोड़ो ले अरे तो जब बलदेव गईल तो कदा रे बाबू लकड़ा लेके आवा सुअर आई हिया बाबू जब सुअर के बात सुनला तो बाबू तो बुझ गईल ना कि जना था कि कहीं ठेकान ना मिलल हिया तब उहे आई हिया उहे उहे देखा जब कहीं ठाव ठेकान ना मिले तो भागल आई हिया कथो यहाँ तू खो हम हाकत न है लकड़वा लेके जाके या केवड़िया खोल के कहते हो कि का रे बड़ा चुन्हा के भागल रहली ना काम भाई लगा तो मुड़ी हिलावत कहीं से ऊपर आई तोर जोड़ा दगा ना है तब का कर भी अब तो मुड़ी फटकती है चौकटवे पर कि यही जरा तो कहो तो रह के ना हाल लकड़वा थुथनों में डाल दे अब बे डाल दे नहीं तो निकट जा जो तू धोखा कैले बढ़ू तू कैसे तोर मन बिछल गल है हमसे आखिर में कैसे निकल गई कैसे तू चल गई ली तवले बलदेव आ गई बाबू का भुन 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 बतियावत हुआ हो कहे ना कि हाँक देत हुआ तो कहत हुआ कि हाँ कब तो जेबू ना करी कहत हुआ कि मामला का हा बतावत हुआ अपनी बेटा बलदेव से शिव मंगल बिरहा का भापट कहे कि शिव मंगल समझावे अरे शिव मंगल बतलावे लव समझाई बचवा का करबा अरे यह सुवरिया असली तोहर माई बचवा का करबा लाज न आवे तोहके बाबू का गैला पगलाई अरे ये सुवरिया माई हमार हमके तू समझाई बचवा का करमा कहल की हे सुवरिया असली तुहारी माई बचवा का करमा कहत हुआ बलदेव की तो के लाज ना लगत है अरे हम इंसान है तू इंसान हुआ हमार माई इंसान रहे और कहत हुआ की ये सुवरिया तुहर माई है तब बतौल कि ये बेटा तोर माई वरदान मांग के नया बन गई बूढ़ रहे तो हमके छोड़ के भागल कहत हुआ कि तू आ तो हम वरदान जब जनली कि हमके छोड़ के भागल है तो हम शंकर जी से कहले कि हमके वरदान दा के सुअर बन जाओ तो हमके वरदान दे के शंकर जी एक सुअर बना दे हला तो जब सुअर बन गई तो के ना रखल सो तो देखो फिर लकड़ा तो यही जगह आई लिया यह बुढ़वा काम में आई ला फिर तो फिर ये जल लकड़ा तो आई लिया आ तो ये बाबू तो ये हमर माई हाँ बचवा पूर्व जन्म का ये तो हर माई है ये जन्मवा में नहीं सुअर बन गई बा तब बलदेव जब सुनला तो कहत हुआ कि ये बाबू तो का करी शंकर जी से हम मांग ली का
अरे हमारे वाला तो बकरी ना बात तीन आदमी मंगले रह जाए तीनों आदमी के एगो देवे कल तो हलो दोनों जना निपटी गई ला लो तो एगो हम ही न बानी तो कहत हो कि ये बेटा तो तुह जो इच्छा हो के तो मांग ला बिरहा के आल्हा में कहना बा कि अरे बाबू से कहला सुनाया गे कबाया अरे भगती भगतिया बेकार होई गईली अरे भगती भगतिया बेकार होई गईली हाथ जोड़ के बोल दे कहलस की भगवान भोलेनाथ आज तुहके पुकारत है भगवान तुरंत हाजिर आज तुरंत हाजिर हो गई ना तो बलदेव कहत हुआ कि बाबू माई के तो दे देला ए लोग का जवन इच्छा रहे तहन ले हल लोग मांगल लोग भइल तो भइल लेकिन हमरो तो उधारे मन कल हार हम बुझली है तू यही से बोलौला मांगला तो कहता कि प्रभु माई गलती कैल नया बन गई तो हमार बाबू गलती को क्योंकि सुअर बनवा देहला तब हम कोनो गलती ना करत है हम तो यही वरदान आपसे मांगत थे कि हमारी माई बाबू का मती ठीक कर दो अरे बाबू तो ठीके बना माई कहे जन्म ठीक कर दो माई हमारे जैसन रहे तरी पुराने रहे तो का करी वैसने ओके बना दो भगवान भोलेनाथ कहला कि वो मस्त पूरन की खटाऊ मिल का सड़िया पहिर के आ गई आ गई पूरन की हो हाँ तो अब जब माई आ गई लिया तो भगवान भोलेनाथ जात हुआ तो कहा था कि जा मती एगो काम सुन ला विधा के आखिरी हा माई बाबू के